आईपीओ का दूसरा नाम नए शेयरधारकों को लूटो। ये है आपका इस वीडियो का हेडिंग, आईपीओ लूटो। किसको? नए शेयरधारकों को, रिटेलर को। आने वाला आईपीओ इकोसिस्टम तैयार है दोस्तों, बच के रहना। एक भी लॉट चाहे एक दिन में करोड़ों रुपया कमा लो, लेकिन लेना नहीं दोस्तों। आईपीओ ये खेल आपकी बस की बात नहीं है, हमारा काम है बताना, बता दिए। ऐसे पैसा आपका दोस्तों कहीं भी फेंको, मिट्टी में फेंक दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर इस आईपीओ की एक लॉट खरीदने में जो आपकी पूंजी लगती है, अगर आप 15 मई तक रुक जाते हैं, अगर आप 15 मई तक इंतज़ार करते हैं, तो आपको जो आईपीओ मिलने से खुशी नहीं मिलेगी, जो आईपीओ लेने से प्रॉफिट नहीं होगा, वो आपको 5 स्टॉक तैयार है दोस्तों। सिर्फ 5 लाख का इन्वेस्टमेंट बनाएगा 5 करोड़, अगर 15 मई तक इंतज़ार किए तो। इसीलिए मैं 1 महीना से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ कि देखो खेल अभी स्टॉक मार्केट क्या करने वाला दोस्तों। और ये कोई खेल नहीं, कोई जोक नहीं, कोई मजाक नहीं, बहुत सीरियस मैं 1 महीने से बोल रहा हूँ। इसलिए कि स्टॉक मार्केट में दोस्तों नए शेयरधारकों का नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा नुकसान हुआ 3-4 साल 15-16 साल पहले, वो आपका नहीं होने देंगे, ये हमारा प्रण है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में हम एंट्री किए हैं, हमें वो लालच नहीं है कि हमारा सब्सक्राइबर व्यूअर बढ़ता रहे, हमें अर्निंग बढ़ता रहे। कोई कार्टून, कोई डाटा, कोई चार्ट से कोई आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। आप जब भी कमाएंगे तो आप अपने कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस जब तक नहीं आएगा, आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा। और आप स्टॉक मार्केट में जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ हमें आईपीओ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमें डिलीवरी में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमें इंट्राडे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें फ्यूचर में बाइस करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। चलिए अब इसके बाद आईपीओ की इतनी बात हम बता दिया, अब इसी वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ, अगर ये फॉलो करते हैं। इस तरह कई वीडियो है, लेकिन आपको मैं फिर अपडेट करने के लिए मैं आया हूँ, और आपको मैं बता दूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनते हैं तो ट्रेडर भी कौन सा ट्रेडर बनेंगे, तो आपका फ्यूचर और आपके पैसे बनते रहेंगे दोस्तों। ट्रेडर बनने के लिए आपको एक ही सब्जेक्ट, जैसे कोई देखते हैं दोस्तों आप इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उसके पहले आप बीएससी करते हैं, उसके पहले आप आईएससी करते हैं, उसके पहले आप हाई स्कूल पास करना पड़ता है, उसके बाद जैसे जैसे एक एक टर्म हो, जैसे कि आपने हाई स्कूल जब पास करेंगे तो आप इंटर में जाते हैं दोस्तों, और इंटर में जाते ही हाई स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऑल सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, मैथ, सोशोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सब होता है। लेकिन जैसे हाई स्कूल पास करते हैं आपका डिवाइड हो जाता है, अगर इंजीनियरिंग पढ़ना है तो आप लेते हैं मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये 3+1 एक हिंदी राष्ट्रभाषा भी रहता है, आरबी जिसको बोलते हैं, ये बढ़ जाता है सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री
जूलॉजी बॉटनी डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद आपने टारगेट पहले से होता है, उसके बाद इंटर आईएससी पास करते हैं तो फिर आपको